Hi everyone, welcome to Global Online. So finally NTA UGC NET December 2023 examination की ऑफिशियली डेट शीट अनाउंस हो गई है। ये नोटिस अभी कुछ देर पहले ही NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया था। इस नोटिस में एनटीए ने एग्जैक्ट ये बता दिया है कि कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम कौन सी तारीख में होने वाला है एंड मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा या इवनिंग शिफ्ट में होगा। ये भी आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। सो आप देख सकते हो ये है ugcnet.nta.ac.in जो कि UGC NET की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर एक नोटिस आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने पब्लिक नोटिस आ जाएगा। बहुत से स्टूडेंट्स इस पुरानी वेबसाइट पर भी नोटिस ढूंढ रहे हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए। ये वाला जो साइकिल है इसके सारे नोटिस एनटीए इस नई वेबसाइट पर ही एक्टिवेट कर रहा है, तो आप इसी पे जो भी चीजें हैं उनको चेक करते रहिए। ओके, इस नोटिस में लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल एनटीए ने जारी कर दिया है। यहाँ से स्टूडेंट्स को एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सी डेट में और कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है। अब यहाँ पर एक चीज और एनटीए ने क्लियर की है कि द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग इंटीमेशन ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम सेंटर विल बी डिस्प्लेड ऑन एनटीए वेबसाइट इन प्रायर टू 10 days ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जाम से 10 दिन पहले यानी कि नवंबर, हम लोग 26-27 नवंबर के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन सी सिटी में आपका एग्जाम होने वाला है। तो देखते हैं, अभी बढ़ते हैं नोटिस पे। उस पे जाने से पहले आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स एग्जाम को इस 20 दिन में भी क्वालिफाई करना बिल्कुल पॉसिबल है। बस पेपर 1 पर मेजर फोकस रखिए एंड पेपर 1 का क्या डिफिकल्टी लेवल है, क्या पैटर्न है, उस अकॉर्डिंग ही कंप्लीट कोर्स हम लेकर आए हैं, जो कि आपको इस शॉर्ट पीरियड में एग्जाम को क्वालिफाई करने में जरूर मदद करेगा। 80+ अगर आपने इसमें 100 में से स्कोर कर लिया तो जरूर आपका JRF अचीव हो सकता है। इस कंप्लीट कोर्स में हम आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ आपकी बेस्ट प्रिपरेशन की श्योरिटी देते हैं। फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, 60+ मॉक टेस्ट। तो एग्जाम से पहले ये सभी मॉक टेस्ट को अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो बहुत इजी हो जाएगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करना। साथ ही फाइनल रिवीजन के लिए 2000+ MCQ क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल है, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्टूडेंट समय अब क्योंकि बहुत कम है, थियरी कॉन्सेप्ट्स पढ़ने का समय नहीं है, आपको सिर्फ MCQ प्रैक्टिस करने हैं, जिसके लिए ये 2000 MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हम आपको देते हैं। गिवन नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट करके इसको ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ एक ही बार फीस देनी है, 3600 रुपीज। फ्री वीडियोस के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। इफ यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर जून 2024 एग्जाम तो भी ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पर कंटेंट पर क्लिक करोगे, फ्री वीडियोस हैं, यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जहाँ पर थ्योरी लेक्चर्स, MCQ लेक्चर्स एंड टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जो कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए काफी है। ओके, सो इसी के साथ देख सकते हैं यहाँ पर शेड्यूल में सबसे पहले Day 1 है 6 दिसंबर, जहां पर इंग्लिश, हिंदू स्टडीज, डोगरी, स्पेनिश, रशियन, ये जितने भी लैंग्वेज से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के एग्जाम Day 1 की शिफ्ट 1 में होने वाले हैं। उसके बाद Day 1 की इवनिंग शिफ्ट में होंगे हिस्ट्री, मणिपुरी, जर्मन, प्राकृत और सिंधी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन। तो स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए तो अभी 20 दिन से भी कम का समय बाकी है। आई होप आप सबकी बहुत अच्छे से तैयारी चल रही होगी। Day 2 की अगर बात करें, सो Day 2 में मॉर्निंग में आप लोगों के पास कॉमर्स सब्जेक्ट का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि कॉमर्स में बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। इसलिए इस बार देखो एनटीए ने पैटर्न चेंज कर दिया है कि कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं मॉर्निंग शिफ्ट में सबका एग्जाम हो जाएगा। इसके बाद इवनिंग शिफ्ट की अगर बात करें तो इवनिंग शिफ्ट में हमारे पास म्यूजिक, फ्रेंच, कुछ जितने भी आपके लैंग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्जाम होगा। साथ ही कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स भी देख सकते हो यहाँ पर Day 2 में इवनिंग शिफ्ट में आपका एग्जाम होना है। Day 3 की बात करें, सो मॉर्निंग शिफ्ट में 3 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है, एजुकेशन, कंपेरेटिव लिटरेचर और पाली। एंड देन इवनिंग शिफ्ट में आपके पास कुछ लैंग्वेजेस ही हैं जिनको इंक्लूड किया गया है, ये देखो, ठीक है। देन पॉलिटिकल साइंस के बहुत से स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, आप लोग देख सकते हो कि 11 तारीख को आपका एग्जाम होगा मॉर्निंग शिफ्ट में। एंड ओके, इसके बाद 11 तारीख को यहाँ पर इवनिंग शिफ्ट का शेड्यूल ये है कि इसमें भी कुछ सब्जेक्ट रिलेटेड ही, लैंग्वेज रिलेटेड सब्जेक्ट्स का ही एग्जाम एनटीए कंडक्ट करवा रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इस बार एनटीए ने बहुत बड़ा बदलाव लाया है एग्जामिनेशन के शेड्यूल में। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे अपना एग्जाम 10 तारीख के बाद, लेकिन देखो इस बार एनटीए ने बहुत सी चीजें चेंज कर दी हैं। ओके, सो देख सकते हो यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है एंड फिलहाल जो शेड्यूल है वो 14 तारीख तक का ही आया है एंड आपको पता है कि एग्जाम आपका 22 दिसंबर तक कंडक्ट करवाया जाना है। ओके, सो बाकी के सब्जेक्ट्स का नोटिस कब आएगा, कब उनका एग्जाम होगा, कब उनका शेड्यूल जारी किया जाएगा, इसके बारे में फिलहाल एनटीए ने कोई भी नोटिस या कोई भी इंफॉर्मेशन जारी नहीं की है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपके सब्जेक्ट का नाम भी यहाँ पर आ गया है एंड बहुत अच्छे से आप अपनी तैयारी में जुड़े रहोगे। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, अब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का समय जा चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। इसके लिए ये 2000 MCQ क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा कोर्स अगर ज्वाइन नहीं करना चाहते, सिर्फ 2000 क्वेश्चन बैंक लेना चाहते हो, तो भी इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हो। So thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best.